वेलकम टू जेके जॉब बॉक्स। आज के इस वीडियो में हम जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम इब्न सिना कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस सोमपुरा बड़गाम। इन्होंने जो डिफरेंट पोस्ट्स निकाली हैं उनकी जो वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, सो लेट अस डिस्कस। जो नंबर फर्स्ट पोस्ट है दैट इज लेक्चरर रेडियोलॉजी एनेस्थीजिया रेनल डायलिसिस ओटीटी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जो नंबर ऑफ पोस्ट्स है वो जो लेक्चरर रेडियोलॉजी उसके 5 है और जो बाकी उनमें एक एक पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज एमएससी रेडियोलॉजी एनेस्थीजिया रेनल डायलिसिस ओटीटी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कम से कम 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर सेकंड एचओडी प्रोफेसर सर्जरीज और एनेस्थीजिया एक पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ एमबीबीएस एमएस एमबीबीएस एमडी एनेस्थीजिया। नंबर थर्ड पोस्ट जो है दैट इज़ एचओडी प्रोफेसर पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी, ये 2 वैकेंसीज है और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए दैट इज़ एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी। नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज़ लेक्चरर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, 2 पोस्ट्स है, एक एक वैकेंसी दोनों में है और इसमें भी एमबीबीएस एमडी चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज़ ट्यूटर या डिमॉन्स्ट्रेटर ओटीटी, 2 वैकेंसीज हैं, इसके लिए बीएससी ओटीटी क्वालिफिकेशन होना चाहिए विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर एमएलडी के लिए ये भी 2 वैकेंसीज है और इसमें जो बीएससी एमएलडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ टीचिंग। ट्यूटर या डिमॉन्स्ट्रेटर रेडियोलॉजी के लिए भी चाहिए, ये बीएससी रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर रेनल डायलिसिस के लिए इसमें बीएससी रेनल डायलिसिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 2 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज ट्यूटर या डिमॉन्स्ट्रेटर एनेस्थीजिया और इसमें जो बीएससी एनेस्थीजिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इफ़ यू वॉन्ट कंटेक्ट देम तो इन्होंने नंबर्स दिए हैं और यू कैन मेल देम। थैंक यू, दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।